Assalamu alaikum everyone. Hope so you all are good. Today is 27th lecture of Ramadan special freelancing course. Last lecture में हम discuss कर चुके थे कि social media marketing क्या है, social media optimization क्या है, किस तरह से social media optimization में हम proper way से hashtags use करके अच्छा सा content choose करके organic way से अपनी post को या अपने page को rank करवा सकते हैं. सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये था कि किस तरह से हम पेड वे से फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स रन करवा के ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं, ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, या जो भी हमारे एड का जो होगा पर्पज होगा पेड वे से वो हम गेन करेंगे. फिलहाल उसके लिए हमें एक पेज रिक्वायर्ड था. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम पेज क्रिएट कर सकते हैं. हम लॉग इन कर लेते हैं अकाउंट. उसमें यहां पर भी उसके लिए हमें एक एड्स मैनेजर अकाउंट की जरूरत होगी. वैसे भी पेज के थ्रू भी हम डायरेक्ट भी एड रन करवा सकते हैं. अगर हम पेज पे क्लिक करें डायनामिक डेवलपर्स का अगर पेज है तो ये डिफरेंट पोस्ट्स हैं. तो अगर ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है बूस्ट पोस्ट का. अगर मैं एड रन करवाना चाहती हूँ तो यहां से भी मैं बूस्ट पोस्ट कर सकती हूँ. ठीक है, अगर मैं बताना चाह कोई भी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से हर पोस्ट के नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है और बता रहा है कि मंजूरी एंगेजमेंट्स हैं, कितने लोगों तक ये पोस्ट जो है पहुंची है. तो देखिए प्रॉपर वे से हमने क्या किया हुआ है, उसका एक कंटेंट भी राइट किया हुआ है, उसमें हैशटैग्स भी ऐड किए हुए हैं. ऑर्गेनिक वे से भी ये पोस्ट हमारी रैंक कर सकती है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगी. अगर हम चाहते हैं पेड वे से ज्यादा लोगों तक हमारी एड पहुंचे तो हम इसको यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं. ये देखिए अगर हम पूरे पेज को प्रोमोट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी एक बटन शो हो रहा है प्रोमोट का. यहाँ से भी हम पूरे पेज की एड क्रिएट कर सकते हैं. फिलहाल हम इस तरह करेंगे, अगर हम बैक जाएं तो एड्स मैनेजर का ऑप्शन मैंने आपको शो यहाँ पे हो रहा है. अदरवाइज हम ब्राउजर पे जाते हैं, टाइप करते हैं एड्स मैनेजर अकाउंट. एड्स मैनेजर अकाउंट यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो हम फर्स्ट लिंक को ही विजिट कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे हमें एक बटन शो हो रहा है गो टू एड्स मैनेजर, हम इस पे भी क्लिक कर सकते हैं. और यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है कि एड क्रिएट करें. फिलहाल हम चलते हैं एड्स मैनेजर पे. एड्स मैनेजर पे ये जो है थ्री लाइंस आपको शो हो रही है, इस पे अगर हम क्लिक करें तो हमें ये कुछ ऑप्शन शो करेगा. एड्स मैनेजर पे हम जाते हैं. अच्छा इसमें ये है, ये कॉन्सेप्ट है कि एड्स मैनेजर अकाउंट होता है उसमें देन एड सेट्स होते हैं, देन एड्स ये हम डिस्कस करेंगे. इसमें देखिए तीन ऑप्शंस हमें शो हो रहे हैं. कैंपेन में क्या होगा कि हम अपने गोल डिफाइन करते हैं कि हम क्यों एड रन करवाना चाह रहे हैं, इंप्रेशन गेन करने हैं या प्रोडक्ट सेल करनी है, या बजट भी जो है हम अपना डिफाइन कर सकते हैं. एड सेट्स में ये होगा कि मेरी एड जो है किन लोगों तक शो हो, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, किन लोगों तक मेरी एड पहुंचनी चाहिए. और हम ऑडियंस अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे कि हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई सेल्स जो है कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम उसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट चेक करेंगे कि कौन सी एज ग्रुप के लोग होंगे जो हमारी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेंगे. ये सब कुछ हम देखेंगे इसमें. एड्स में क्या होगा, अच्छा इसमें ये भी हम सिलेक्ट करेंगे कि वो मेल तक हमारी एड ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, फीमेल्स तक पहुंचे. तो ये एड्स का मैं थोड़ा सा आपको बता दिया. एड्स में ये होगा कि हम इमेजेस ऐड करेंगे, मल्टीपल इमेजेस हो सकते हैं, सिंगल इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकती है, या कैरोसेल मोर देन वन इमेजेस अगर हम ऐड करना चाहें. देन फाइनली हम क्या करते हैं कि सबमिट करा देते हैं, देन एफबी टीम उसको रिव्यू करती है. अगर हमारी एड ओके है तो एड पब्लिश हो जाता है थोड़ी देर में रिव्यू होने के बाद.
अगर हम अपनी कोई कंपेन जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन शो हो रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने कंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है कि हम क्यों कंपेन रन करवा जो है चलाना चाहते हैं या एड रन क्यों करवाना चाह रहे हैं। इसमें अवेयरनेस भी हो सकती है कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, ट्रैफिक कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर लोग आए तो वो उसके लिए हम ट्रैफिक का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इंगेजमेंट का ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे वीडियोस पे ये वो। लीड्स का ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी एड पहुँचनी चाहिए। ऐप प्रमोशन में अगर आप किसी कोई आपकी ऐप है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें उसको यूज़ करें तो ऐप प्रमोशन, अगर और सेल्स अगर आप जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप सेल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, ट्रैफिक का ऑप्शन कि हमें हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए। कंपेन नेम ये ऑप्शनल है, फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट डे दोबारा ये ऑप्शन शो करेगा हमें। देखिए फर्स्ट है कंपेन नेम, यहाँ पे हम कोई भी अपनी कंपेन को नेम दे सकते हैं। फिलहाल हम लिख लेते हैं जनरल फर्स्ट कंपेन। ये क्या हो गया, इसको हमने बैक स्पेस नहीं किया था। नेक्स्ट हम कैटेगरीज सिलेक्ट कर लेंगे कि क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग। इसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे जाएं, कंपेन्स पेंडिंग लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, फिलहाल हम इसको नन ही रहने देते हैं। ए बी टेस्ट का यह है कि आप एक से ज्यादा एड रन करवाएं, उसमें से फिर आप डिफरेंस नोट कर लेंगे कि किस एड पे ज्यादा से ज्यादा जो है आपका जो भी पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इसका फंक्शन है, इसको हम ऑफ रहने देते हैं। अगर हम कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इसको हम ऑन करते हैं। लेट्स सी इसमें क्या है कि कंपेन बजट आपने सिलेक्ट करना है। इसमें टू ऑप्शंस हैं, एक डेली बजट है और एक लाइफ टाइम बजट। हम इसमें फिलहाल डेली बजट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अमाउंट पीकेआर में ही वो हमें हमारे से पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फिलहाल 1000 रुपीज ऐड कर लेते हैं। डेली बजट होगा हमारा। कंपेन बिड स्ट्रेटेजी में हम इसको लोएस्ट कॉस्ट ही रहने देंगे, लोएस्ट कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा आपका जो भी पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको लोएस्ट कॉस्ट। और कॉस्ट गैप का ये होगा कि जब आपकी एड जो है रन हो रही होगी तो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं शो मोर ऑप्शंस पे करूं तो यहाँ पे हम अपनी एड को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि फिलहाल हम इसको रन एड्स ऑल द टाइम ही रहने देंगे, इसको हम यही रहने देते हैं। एंड नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट वो हमारे से पूछ रहे हैं एड सेट नेम। तो यहाँ पे हम कोई भी एड सेट का नेम दे सकते हैं, फर्स्ट एड सेट ही दे देते हैं। फर्स्ट एड सेट हमने इसको नेम दिया। कन्वर्जन में हम देख लेते हैं कि ठीक है, Use where you want to drive traffic. ठीक है, मुझे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, हम अपनी वेबसाइट पे ही इसको सिलेक्ट करेंगे। आपको ऐप पे चाहिए, मैसेंजर पे, कॉल्स, व्हाट्सएप, कुछ भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। Dynamic creative, provide creative elements such as images or headlines will automatically generate combinations optimized for your audience. इसको हम क्या करते हैं, ऑन करके चेक करते हैं।
इसको कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी में हमें लिंक क्लिक्स चाहिए, इंप्रेशन चाहिए। यहाँ पे मैं जो है इंप्रेशन पे क्लिक कर लेती हूँ कि आपकी हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी एड किसी को शो हुई है। मैंने इसको ये सिलेक्ट किया। कॉस्ट कंट्रोल वेस्ट कोस्ट पे हम कॉस्ट कंट्रोल को नहीं सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप स्टार्ट डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट को आपकी एड रन होनी चाहिए, और ऑप्शनल एंड जो है, वैसे बजट एंड होगा तो आपकी एड भी अल्टीमेटली जो है एंड हो जाएगी, अदरवाइज आप इसको एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम देखें ऑडियंस कि किन लोगों तक हमारी एड पहुंचनी चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लोकेशन को अगर हम देखें कि कहाँ तक हमारी एड पहुंचनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं सिर्फ पाकिस्तान में पहुंचे तो पाकिस्तान यहाँ पे टिक है, ठीक है। हम इसको जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि फिलहाल मैं सिर्फ चाहती हूँ कि सिर्फ पंजाब में ही मेरी एड पहुंची, तो मैं इसको क्या करती हूँ, क्रॉस लोकेशन सर्च कर लेते हैं। हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिलहाल पंजाब पाकिस्तान, तो यहाँ पे शो करेगा। फिलहाल हम इसको जूम इन भी करते हैं और मुल्तान, ये जो है इतने उसने एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर आप मजीद कोई ऐड करना चाहें तो यहाँ से भी आप मजीद भी ड्रॉप इन कर सकते हैं। एज मैंने सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ से कौन सी एज सिलेक्ट करनी चाहिए। मैं यहाँ से 15 इयर्स टू 33 इयर्स ओल्ड तक कर लेती हूँ। कर लेते हैं। अब जेंडर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैन वुमेन सब तक आपकी एड पहुंचनी चाहिए या सिर्फ मैन तक पहुंचे या वुमेन तक पहुंचे। हम फिलहाल यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में हम अपनी मर्जी से भी ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसका इंटरेस्ट हो हमारी प्रोडक्ट में। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट्स में ये मैनुअल प्लेसमेंट भी रख सकते हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट भी रख सकते हैं। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को वो रिकमेंड कर रहा है। अगर हम यहाँ से शो मोर ऑप्शंस पे जाएं, इसको फुल इन्वेंट्री भी रहने दे सकते हैं, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री और लिमिटेड। फिलहाल मैं इसको स्टैंडर्ड इन्वेंट्री ही रहने दूंगी। लॉक लिस्ट अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इन लोगों तक आपकी एड नहीं पहुंचनी चाहिए, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम कोई भी इस तरह से ब्लॉक लिस्ट क्रिएट नहीं करेंगे। अगर मैं मैनुअल प्लेसमेंट करूं, मैनुअल प्लेसमेंट में ये होगा कि हम अपनी मर्जी से प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी एड जो है फेसबुक पे रन करवाना चाह रहे हैं हम या इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे भी करवानी है तो उसके लिए हमें पेज रिक्वायर होगा, इंस्टाग्राम का बिजनेस पेज। तो यहाँ पे वो शो करेगा फीड्स में, फेसबुक फीड में आपकी इस तरह से शो होगी, इंस्टाग्राम फीड में ये शो होगा, जिसके ऊपर आप एरो लेके जाएंगे आपको उस तरह से शो करवा देगा। फेसबुक की वीडियो फीड में इस तरह से आपकी एड शो होगी, और यहाँ पे देखें आप जिसके ऊपर भी लेके जाएंगे आपको स्पॉन्सर्ड लिखा नजर आएगा, तो इट मींस कि ये हम पेड बेस से मार्केटिंग करवा रहे हैं। अगर फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इंस्टाग्राम फीड को करते हैं अनटिक, इंस्टाग्राम को कर देते हैं अनटिक। स्टोरीज एंड रील्स में भी फिलहाल हम इंस्टाग्राम को अनटिक करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे एड रन करवाना चाह रहे हैं, फेसबुक पे नहीं करवाना चाह रहे, तो आप फेसबुक को अनटिक कर देंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि दोनों पे आपकी एड रन हो, तो फिर आप
सबको ही टिक कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करेगा। अगर हम शो मोर ऑप्शंस जाएं, इसको हम ऑल ही रहने देंगे, ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई नहीं, ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड रहने देंगे, ब्लॉक लिस्ट हमने क्रिएट नहीं करनी थी, इसको हम फिलहाल करते हैं साइट को क्लोज एंड चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि ऐड का नेम बताओ जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम इसको न्यू ट्रैफिक ऐड ही नेम रहने देते हैं। फेसबुक पेज यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी डायनामिक डेवलपर सिलेक्टेड है आपके, अगर ज्यादा ज्यादा पेजेस हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ज्यादा पेजेस शो होंगी, या आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे डायनामिक डेवलपर्स का पेज शो हो रहा है तो हम इसको ही यूज करेंगे। एड सेटअप, अच्छा हम क्रिएट एड करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग कोई पोस्ट है हमारे पेज पे उसको ही हम बूस्ट करवाना चाह रहे हैं, ये हमारे पे डिपेंड करेगा। फिलहाल हम किस तरह करते हैं, क्रिएट एड पे क्लिक कर लेते हैं। अब फॉर्मेट वो हमारे से पूछ रहा है कि किस तरह का हमें स्ट्रक्चर चाहिए एड के लिए, सिंगल इमेज और वीडियो चाहिए, कैरोसेल चाहिए, दो से ज्यादा इमेजेस और वीडियो हो जिसमें, या फिर कोई कलेक्शन चाहिए, तो हम इसको सिंगल इमेज और वीडियो पे रहने देते हैं। नेक्स्ट एड क्रिएटिव मीडिया, अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से करते हैं मीडिया एड, एड इमेज पे जाएंगे, तो एड इमेज पे जाके हम यहाँ से भी, ये ऑलरेडी हमें मीडिया शो करवा रहा है, हम यहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। यह हमें यहाँ पे शो करवा रहे हैं, हम यहाँ से कोई ले लेते हैं, पैशन ले लेते हैं, पैशन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर हाउस, इसको करते हैं ओपन। नेक्स्ट तो हमें बता रहा है कि किस तरह से हमारी एड जो है शो होगी फीड्स में, स्ट्रीम वीडियोस में, स्टोरीज एंड रील्स में, तो ये आपको शो करवा रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है, अलाउ एनहांसमेंट्स डन। प्राइमरी टेक्स्ट हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई कंटेंट इसका ऑलरेडी हो, पैशन, ये अगर इसका कंटेंट है प्राइमरी टेक्स्ट में, हम इस तरह करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर लें, आपने कोई हेडिंग ऐड करनी है आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं। हेडिंग फिलहाल क्या है, पैशन ऑफ आवर सोफिया हाउस, मैं इसको हेडिंग के तौर पे यूज करूंगी। पेस्ट करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे हमें साथ में शो भी करवा रहे हैं, किस तरह से प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ ऊपर शो हो रहा है एंड देन यहाँ पे जो मैंने हेडिंग ऐड की है वो पोस्टर्स के नीचे यहाँ पर शो हो रही है। नेक्स्ट वो मुझसे डिस्क्रिप्शन पूछेगा, हम डिस्क्रिप्शन भी ले आते हैं, यहाँ से ही हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए इसको ऑर्गेनिक वे से रैंक करवाने के लिए हैशटैग्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, लेकिन जब हम इसको पेड वे से करवाएंगे तो ये हैशटैग्स ऐड ना भी करें तो हमारी एड फौरन से
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करेगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट डेस्टिनेशन है हमारी, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल अगर मैं देना चाहूँ तो हम यहाँ पे सर्च आउट कर लेते हैं डायनामिक डेवलपर्स। गलत, हमने स्पेलिंग राइट कर दी, डायनामिक डेवलपर्स। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। यस, कॉपी हमें लर्न मोर का बटन शो हो रहा है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ऑर्डर नाउ, गेट असेस, फिलहाल गेट ऑफर, या फिर हम गेट असेस, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, गेट असेस कर लेते हैं। अब लर्न मोर की जगह हमें गेट असेस का ऑप्शन शो, तो नेक्स्ट यहाँ तक हमारी जो रिव्यू अगर हम करना चाहें कि हमारी एड किस तरह से शो होगी, इस तरह से हमारी एड जो है शो होगी। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी एड बिल्कुल ठीक है तो हम इसको यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एड्स रन करवा सकते हैं। जब हम इसको पब्लिश कर देंगे, फेसबुक वाले हैं वो इसको जो है रिव्यू करेंगे, कंपेन स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन अगर मैं ऑल टूल्स पे जाऊं, यहाँ पे एक बिलिंग का सिस्टम है, यहाँ से भी हम जाके अपना बिलिंग सिस्टम सेट कर सकते हैं। अगर मैं एड्स मैनेजर पे जाऊं तो ये देखिए, ये हमने अभी कंपेन जो है स्टार्ट की थी, अपना बजट वगैरह सेट किया था, इसको हमने मजीद कंप्लीट नहीं किया, पब्लिश नहीं किया। अगर आप पब्लिश करना चाहें तो इसको अगेन रिव्यू करें एंड पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हमने लर्न करना था कि किस तरह से हम एड रन करवा सकते हैं। तो अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊं, सेटिंग्स में देखिए, यहां से हम फिलहाल एड अकाउंट एडमिन जो है वो ये है, इंजीनियर अनार सैना। और फिलहाल हम अगर किसी और को अपने पेज पे एक्सेस देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ऐड पीपल पे क्लिक करेंगे। उसके लिए है कि वो फ्रेंड हो आपका, तो जो भी फ्रेंड है आप यहाँ पे ऐड करेंगे उसका नेम और कंफर्म करेंगे, नोटिफिकेशन जाएगा उसके पास और वो नोटिफिकेशन से जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप उसको डिफरेंट रोल प्रोवाइड कर सकते हैं, एडमिन रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। एडमिन का ये होगा कि वो कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं आपके पेज में, एड रन करवा सकते हैं कुछ भी। जो एडमिन होगा वो पेमेंट डिटेल्स भी एडिट कर सकता है, एड स्पेंडिंग लिमिट। एडवर्टाइजर का ये होगा वो आपकी एड को देखेगा, एडिट करेगा, कर सकता है आपकी एड को, एड क्रिएट कर सकता है पेमेंट मेथड को यूज करते हुए। और जो एनालिस्ट है, एनालिस्ट सिर्फ आपकी एड की परफॉर्मेंस को सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। ये रोल हम उसको देंगे जिसने डाटा रिपोर्ट करना हो, ठीक है। ये करते हैं कि एडमिन सपोर्ट मिले आपको, बिकॉज अगर आपको एडमिन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपका क्लाइंट तो अल्टीमेटली आप इजिली सब चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं।
यहाँ पे भी पेमेंट सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ से हम पेमेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेमेंट मेथड ऐड कर लें, अगर हम इस पे क्लिक करें तो लोकेशन पूछेगा, करेंसी पूछेगा, टाइम जोन पूछेगा, नेक्स्ट आप करते जाएंगे, ये पूरा पेमेंट मेथड जो है वो आपको जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपने डेबिट कार्ड यूज करना है, क्रेडिट कार्ड यूज करना है, आप कुछ भी इस पे ऐड करके अपनी डिटेल देंगे तो आपकी ऐड रन हो जाएगी। अच्छा, अगर हमने अभी बात की थी कि हम इंस्टाग्राम के थ्रू भी ऐड रन करवा सकते हैं, तो अगर हमें इंस्टाग्राम पे ऐड रन करवानी है तो उसके लिए हमें इंस्टाग्राम का पेज भी रिक्वायर होगा। इंस्टाग्राम का पेज, आप इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाएंगे, ये कल का आपका टास्क है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, हम इस तरह करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह आपसे आपको एक ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपने प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच कर लेने, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट की अभी मैंने, आप यहाँ पे वेबसाइट भी अपनी ऐड करेंगे, देन आप स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट करने के बाद यहाँ से सबमिट भी। कि अगर हमारी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं हुई हुई तो हम किस तरह गूगल को यूज करके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं हुई हुई तो किस तरह हम गूगल को पे करके मार्केटिंग करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट की किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे, कि लोग उन कीवर्ड्स को आकर सर्च करें तो आपकी वेबसाइट उनके सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर आए। तो ये हम गूगल एडसेंस को यूज करके या एड्स डॉट गूगल डॉट कॉम को यूज करके किस तरह से एड रन करवाएंगे हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट्स में टॉप पर लाने के लिए। तो आपका आज का ये टास्क है कि आपने एड क्रिएट करनी है, बिलिंग मेथड में आपने अपना इंफॉर्मेशन जो है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपने ऐड नहीं करनी, तो वो स्क्रीनशॉट सब सेंड कर दीजिएगा मुझे। कल हम देखेंगे कि किस तरह से गूगल एड्स हम रन करवा सकते हैं, उसको हम SEM सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, कि सर्च इंजन मार्केटिंग में किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को पेड बेस से रैंक करवाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।